फर्जी गीक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू फर्जी गीक। गाइस, आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा कि आप फोल्डर कैसे शेयर करते हैं और आप कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। प्लस आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा यहाँ पर नॉर्मल शेयर में और एडवांस शेयर में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। फोल्डर शेयर करने के लिए सबसे पहले आपको एक फोल्डर क्रिएट करना हो। जैसे मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक क्रिएट करके रखा हुआ है टेस्ट नेम से, तो हम इसको शेयर करने वाले हैं गाइस। मैं आपको एक नया फोल्डर बनाकर यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आपको इजी रहे, फोल्डर बनाना भी आ जाए। यहाँ से आपको राइट क्लिक करके फोल्डर बनाना है। यहाँ से फोल्डर बन चुका है, इसको नेम दे देते हैं। यहाँ से हमने फोल्डर को रीनेम कर दिया है। उसके बाद हमें प्रॉपर्टीज पर जाना है, शेयरिंग टैब पर जाना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे गाइस कि आपको दो आ रहे हैं, एक शेयर आ रहा है, एक एडवांस शेयरिंग आ रहा है। शेयर में डिफॉल्ट परमिशन के साथ आप शेयर कर सकते हैं, एडवांस शेयरिंग में आप अपनी मर्जी से परमिशन रख सकते हैं। उसको फुल कंट्रोल देना है यूजर को या खाली रीड कर पाए वो फाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले एडवांस शेयरिंग पर जाना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका फोल्डर शेयर हो जाएगा। प्लस आप यहाँ से नंबर ऑफ यूजर्स भी असाइन कर सकते हैं कि कितने यूजर्स को वन टाइम पे एक्सेस कर पाए। अगर परमिशन आप उसको देना चाहते हैं तो यहाँ से परमिशन देकर, जैसे मैं यहाँ से फुल कंट्रोल दे रहा हूँ उसको, यूजर्स को, तो यहाँ से ओके करना है। फुल कंट्रोल चला जाएगा यूजर्स के पास, वो रीड भी कर पाएंगे, राइट भी कर पाएंगे और फाइल ऐड करना चाहेंगे तो वो भी कर पाएंगे। ये आपको ऑप्शंस कंप्लीट करने के बाद शेयर पर जाना है। यहाँ से आपको, अगर आप चाहते हैं सिंगल यूजर्स के साथ असाइन करना तो वो भी कर सकते हैं, होम ग्रुप के साथ असाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं सबके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, जो भी नेटवर्क में होगा वो इसको देख पाएगा। यहाँ पे मैंने परमिशन चेंज कर सकते हैं यहाँ से रीड एंड राइट का। उसके बाद आप शेयर पर चले जाइएगा डायरेक्ट। ये थोड़ा सा समय लगाएगा और आप देख रहे हैं कि शेयर कर पा रहे हैं। अगर चाहते हैं तो इस ईमेल को यहाँ से सेंड भी कर सकते हैं लिंक, और यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो गाइज, आपका फोल्डर यहाँ से शेयर हो चुका है। मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ नेटवर्क में कि शेयर हुआ है या नहीं हुआ। आपको दिखाता हूँ यहाँ से नेटवर्क में शेयर हुआ है नहीं हुआ। चेक करने के लिए हमें सबसे पहले माई कंप्यूटर ओपन करना पड़ेगा, नेटवर्क में जाना पड़ेगा अंडर द पीसी नेम। ये देखिए गाइस, आपका गीक फोल्डर शेयर हो गया। अभी इसके अंदर कुछ नहीं रखा हुआ है। मैं कोई फाइल यहाँ से कॉपी करके देखता हूँ। यहाँ से मैंने ये दो फाइलें इसके अंदर जो सेंड करी है फोल्डर्स के अंदर, जो गीक है उसके अंदर, लेट्स सी। ये देखिए गाइस, काम कर रहा है। यहाँ पर आपको दोनों फाइल्स विजिबल हो गई है, तो इसका मतलब है फाइल आपकी शेयर हो पा रही है। तो इसी तरीके से यूजर्स उसको काम में लेकर आ पाएंगे और फोल्डर को एक्सेस कर पाएंगे गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए राइट साइड पर आपके आइकन आएगा। अगर आप फोन पर वीडियोस देख रहे हैं तो, अगर लैपटॉप और डेस्कटॉप पर चला रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा इस वीडियो को डेफिनेटली। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।